बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू द ऑनलाइन क्लासेस ऑफ राइज एंड शाइन स्कूल। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। क्लास 8, ये आपका वीक 5 का डे 2 का लेसन है। आज हम यूनिट 4 जो मोहनजोदड़ो है, हमने डे 1 में भी मोहनजोदड़ो का फर्स्ट पेज पढ़ा था। आज हम उसके जो पेज नंबर 21 और 22 के जो कंटेंट मौजूद है हम उसे रीड करेंगे, प्लस पेज नंबर 23 और 27 पे कुछ बुक एक्सरसाइजेज है हम उन्हें सॉल्व करेंगे। आफ्टर दिस लेसन बेटे आप लोगों को पता चलेगा कि व्हाट वर द डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स व्हिच वर फाउंड फ्रॉम द रियूम्स ऑफ मोहनजोदड़ो। हम मैं आपको दिखाऊंगी भी, मतलब उनकी पिक्चर भी शो करूंगी, प्लस आप पढ़ेंगे भी। प्लस आप जानेंगे कि व्हाट इज द प्रोबेबल एज, यानी कि जो अंदाज़ा लगाया गया है इस शहर की एज के बारे में, उसकी उम्र के बारे में, वो क्या है। और आप पढ़ेंगे कि वहाँ के रहने वाले लोग जो थे उनके ऑक्यूपेशन क्या थे, उनके पेशे क्या थे, उनका जरिया माश क्या था। ओके, आपको याद है हमने यहाँ तक पढ़ लिया था कुछ, मतलब ये यहाँ पे पैराग्राफ एंड हुआ था और मैंने यहाँ पे ख़त्म करा दिया था। मैं थोड़ा सा समराइज़ कर दूँ। आपको याद है हमने पढ़ा था कि ये शहर जो है ये लाड़काना से 27 किलोमीटर पर दरियाए सिंध के दाएं किनारे पर मौजूद है, और ये 1922 तक कोई शहर के बारे में कुछ नहीं जानता था। कुछ देहातियों को वहाँ पुराने बर्तनों और ईंटों के टुकड़े मिले जो कि वो सर जॉन मार्शल के पास लेकर आए, और सर जॉन मार्शल जो था वो एक अंग्रेज़ सिविल सर्वेंट था, और उसने जब वो पीसेस देखे तो उसको देखते ही पता चल गया कि ये पीसेस बहुत ज़्यादा पुराने हैं, क्योंकि उसका काम ही ये था कि वो तारीखी बाकियात की आसार की या जो भी मुख्तलिफ चीज़ें मिलती थी उनकी वो देखभाल किया करता था, जैसे पुराने बिल्डिंग्स होती हैं या कोई खंडरात वगैरह, उनकी वो देखभाल किया करता था। और फिर ये कि लोगों ने वहाँ पर खुदाई शुरू की और आहिस्ता आहिस्ता करके उस वहाँ पे नीचे से पूरा शहर निकल आया, और वो शहर जो था वो सीधी सड़कों और अच्छे बने हुए घर का था। उसकी जो नालियाँ थी वो तक ढकी हुई थी, घरों में बाथरूम्स थे, प्लस उनके पास 7 सर्वेंट क्वार्टर्स बने हुए थे। इसके अलावा एक शहर का जो मरकज़ था वहाँ तक सारी सड़कें सीधी वहाँ तक जाती थी, और वो सड़कें जो है वो कारीगरों के घरों तक भी जाती थी, और शहर के मरकज में बाजार था जिसके दोनों तरफ दुकानें थीं। आज हम आगे से रीड करना शुरू करते हैं। द पीपल ऑफ दिस सिटी मस्ट हैव बीन ग्रेट ट्रेडर्स, वगैरह, शहर के लोग ज़रूर बड़े ताजर रहे होंगे। अच्छा, अब यहाँ पे सिर्फ जो भी चीज़ बात की जा रही है वो अंदाज़ा लगा के कही जा रही है, लेकिन अंदाज़ा ऐसा ही नहीं होता कि हवा में अंदाज़ा कर लिया कि ये ऐसे हो रहा है काम। एक्चुअली उसकी कोई कुछ चीज़ें देख के फिर अंदाज़ा लगाया जाता है कि हाँ जी ऐसा हो सकता है। ट्रेडर हम ताजर को कहते हैं। वो कह रहे हैं कि वो यकीनन ज़रूर बड़े ताजर रहे होंगे, विद द रिवर इंडस सो नियर, क्योंकि दरियाए सिंध उनके बहुत करीब था, एंड द सी, और दरिया समंदर, विद इन ईजी रीच, उनकी आसान पहुंच में था। ठीक है, इसलिए वो उनका अंदाज़ा लगा रहे हैं कि वो यकीनन ताजर रहे होंगे। द कंट्री साइड मस्ट हैव बीन फर्टाइल, वो कह रहे हैं जो कंट्री साइड है, मतलब देहाती इलाका जो है वो ज़रूर ज़रखेज़ होगा, फर्टाइल हम ज़रखेज़ को कहते हैं, क्योंकि वो कह रहे हैं सिंस वीट राइस एंड कॉटन ग्रू देयर, जहाँ वो गंदम चावल और कपास उगाते थे। अच्छा, अब ये एक बात कैसे पता चल गई आज से 4,500 साल पहले कि वो लोग गंदम चावल और कपास उगाते थे, क्योंकि वहाँ से जो है ना अनाज के मुख्तलिफ ग्रेन्स जो है वो वहाँ पर वो भी मिले थे। अच्छा, देयर वर स्किल्ड, स्किल्ड का मतलब होता है माहिर, क्राफ्टमैन, हुनरमंद या कारीगर वहाँ पे जो थे वो माहिर कारीगर भी थे, हु वर्क्ड, सॉरी आई थिंक आई हैव स्किप्ड वन लाइन, यहाँ पे द फार्मर्स आल्सो केप्ट कैटल्स, जो किसान थे वो मवेशी भी रखते थे, और फिर लिखा हुआ दे वर स्किल्ड क्राफ्ट्समैन हु वर्क्ड इन गोल्ड, सिल्वर एंड आइवरी। ठीक है, वो कह रहे हैं यहाँ पे माहिर कारीगर थे जो सोने चांदी, गोल्ड सोने को कहेंगे, सिल्वर चांदी को कहेंगे, और आइवरी बेटे हम हाथी दांत को कहते हैं। ठीक है,
हाथी दांत आपने देखा होगा कि सफेद रंग का, एक जब हाथी एक बड़ी कीमती दांत है ये भी, सफेद रंग के हाथी की दोनों तरफ दांत होते हैं जिनसे मुख्तलिफ चीजें बनाई जाती हैं, ठीक है। फिर क्ले डॉल्स, मिट्टी की बनी हुई गुड़िया एंड कार्ड्स। कार्ड्स आपको पता है किसे कहते हैं, गाड़ी को, ठीक है। वर मेड फॉर द चिल्ड्रन, बच्चों के लिए बनाए गए थे टू प्ले विद, ताकि वो उससे खेल सके। वी ऑल्सो हैव एन आइडिया ऑफ द ड्रेसेस, वो कह रहे हैं हम उनके लिबास का भी अंदाजा लगा सकते हैं, वॉर्न बाय द रूलिंग क्लास, जो कि उनका हुक्मरान तबका पहनता था, ठीक है। रूलिंग क्लास मतलब रूल करने वाले, हुक्मरानी करने वाले क्लास तबके को कहेंगे। द प्राइस्ट एंड द एल्डर्स, उनके मजहबी पेशवा और उनके बड़े, फ्रॉम द सील्स ऑफ मैनकाइंड, जो कई किस्म की मोहरे हैं उनसे, दैट हैव बीन फाउंडेड देयर, जो कि वहाँ मिली हैं। दे वोर, वो पहनते थे लॉन्ग लूज ड्रेसेस, लंबे ढीले ढाले लिबास। अच्छा अब ये देखिए, हमारे यहाँ जो अब आजकल कॉइन्स होते हैं उन पे आप देखते हो, उन पे या तो कायदे आजम की तस्वीर बनी होती है या हमारे मुल्क की किसी मशहूर पर्सनैलिटी की, जैसे अलामा इकबाल की, आमतौर पर कायदे आजम की बनी होती है। तो अब उस वक्त के जो उन लोगों की वहाँ पे सील्स मिली थी, मोहरें मिली थी, उन पे भी जाहिर है ऑफ कोर्स उनकी रूलिंग क्लास या उनके लीडर्स या उनके मजहबी जो रहनुमा थे उन्हीं की उन्होंने पिक्चर्स बनाई होंगी। तो इस वजह से वहाँ उन सील से देख के हमें पता चलता है कि उनका लिबास ऐसा था, ठीक है, लंबा और ढीला ढाला। अच्छा, नियर बाय इज अ म्यूजियम, पास में ही एक म्यूजियम है, वेयर इंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट्स फाउंड फ्रॉम मोहनजोदड़ो आर ऑन एग्जीबिशन, जहाँ पे वो दिलचस्प चीज़ें जो कि मोहनजोदड़ो से मिली हैं उन्हें नुमाइश के लिए रखा गया है। एग्जीबिशन का मतलब नुमाइश, ठीक है। दीज इंक्लूड, उसमें शामिल हैं, अब क्या क्या चीज़ें शामिल हैं, सील्स, सील हम मोहरों को कहते हैं, मोहरें, ज्वेलरी, जेवरात, टॉयज, खिलौने, वेपन्स, हथियार एंड पेंटेड पॉटरी, ठीक है। पॉटरी हम बर्तनों को कहते हैं, और पेंटेड का मतलब नक्शो निगार वाले या मुनक्कश, जिनके ऊपर कुछ पेंट हुआ हो, वो बर्तन जो है वो शामिल हैं। द बेस्ट फाइंड ऑफ मोहनजोदड़ो इज द हेड ऑफ अ बुल, ठीक है। मोहनजोदड़ो की बेहतरीन याफ्त जो है वो एक बैल का सर है, विच वॉज यूज एज अ सील, जिस जो कि एक मोहर के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था। अ मेटल स्टैचू ऑफ अ डांसिंग गर्ल हैज ऑल्सो बीन फाउंड, एक नाचती हुई लड़की का जो धाती मुजस्मा है वो भी मिला है। देर आर मेटल टूल्स टू, धात के औजार भी मिले हैं। इट इज बिकॉज, इट इज़ बिकॉज ऑफ दीज मेटल ऑब्जेक्ट्स, वो कह रहे हैं ये इन्हीं धाती अशिया की वजह से है, या इन धाती बनी हुई अशिया की वजह से है, दैट द प्रोबेबल एज ऑफ द सिटी इज़ बीइंग गिवन, कि इस शहर का जो एज है या उम्र है वो तकरीबन उसका अंदाज़ा लगाया जा रहा है और बताई जाती है एज अबाउट 4,500 ईयर्स, तकरीबन 4,500 साल पुराने। मतलब अब ये इन लोगों ने कैसे अंदाज़ा लगा लिया, वहाँ पे से जो धात के बने हुए औजार या जो भी चीज़ें, धाती चीज़ें मिली हैं, उन धातों की एज शायद पता चलाई जा सकती होगी, जो उनको वो चीज़ें देख के उनको आइडिया हुआ है कि ये धातें तकरीबन 4,500 साल पुरानी हैं, और जाहिर है फिर अगर वो उनको उन्होंने इस्तेमाल किया तो वो लोग भी इतने ही पुराने होंगे। फॉर अ लॉन्ग टाइम, एक लंबे अरसे तक या अरसा दराज तक, दीज पीपल लिव्ड अ हैप्पी लाइफ, इन लोगों ने खुश व खुर्रम ज़िंदगी बसर की, या बहुत अच्छी ज़िंदगी बसर की। दे वर क्वाइट रिच, वो बहुत अमीर लोग थे, एंड ट्रेवल्ड फ्राम प्लेस टू प्लेस ऑन बिजनेस और ऑन प्लेजर, और वो कारोबार या तफरी की गर्ज से एक जगह से दूसरी जगह का सफ़र किया करते थे। देयर सिटी वॉज वेल प्लान्ड एंड क्लीन, उनका शहर अच्छे मंसूबे के तहत तामीर किया गया था या और साफ सुथरा था। द रेन वाटर डिड नॉट रिमेन ऑन द स्ट्रीट्स, बारिश का पानी गलियों में नहीं रुकता था। वी डू नॉट नो वॉट हैपन टू दैम लेटर, हम नहीं जानते बाद में उनके साथ क्या हुआ। इधर दे वर रेडेड फ्रॉम द नॉर्थ, या तो उन पर शुमाल की तरफ से हमला किया, रेड हम हमला होने को कहते हैं, ठीक है। और सम ग्रेट अर्थक्वैक, अर्थक्वैक बेटे जलजला, जलजले को कहते हैं, डिस्ट्रॉयड दैम, या फिर किसी एक अजीम या बड़े जलजले ने उन्हें तबाह कर दिया। नो वन हैज़ येट बीन एबल टू डिटरमाइन द मीनिंग ऑफ द वर्ड्स रिटन ऑन द सील्स एंड ऑन द पॉटरी, वो कह रहे हैं अब तक कोई इस काबिल नहीं हो सका कि वो मायने समझ सके उन अल्फाज के जो कि मोहरों और बर्तनों पे लिखे हुए हैं, ठीक है। मच कुड बी लर्नड इफ द, वो कह रहे हैं बहुत कुछ जाना जा सकता है अगर,
ओके, हेयर इज द पिक्चर ऑफ सम ऑब्जेक्ट्स व्हिच वर फाउंड फ्रॉम द मोहेंजोदड़ो, यू कैन सी इट इन योर बुक टू. ओके, वो जो बात हो रही थी स्टैचू ऑफ अ मेटल स्टैचू ऑफ अ डांसिंग गर्ल, वो ये रहा. देखिए, इट लुक्स लाइक अ सील. और ये वाला जो स्टैचू है, ये जो मुजस्मा है, ये आपको नेशनल म्यूजियम में भी नजर आएगा. ये अब भी वहाँ पड़ा हुआ है. ये दीज बोथ आर सील्स. ओके, एंड लुक एट दिस बेटा, इट्स अ टॉय. वो जो कह रहे हैं गाड़ी बनाई हुई है, ये मोहनजोदड़ो से मिली हुई कहते थे, कितनी परफेक्ट बनी हुई है. ठीक है, ये आपको अपने बुक में पिक्चर्स नजर आ जाएंगी. अच्छा, हम वो पढ़ रहे थे कि बहुत कुछ जाना जा सकता है अगर अगर क्या हो कि लैंग्वेज एक्सपर्ट्स आर एबल टू डेसिफर दीज वर्ड्स. अगर पुरानी जो जबान जो माहिर लिसानियात हैं, जबान के माहरीन हैं, वो इन अल्फाज को पढ़ने के काबिल हो सकें या उनको जान सकें. लर्न बैन एंड विजिटर्स ऑफन कम टू द साइट. तो कह रहे हैं कि बहुत काबिल लोग अक्सर व बेशतर यहाँ जो है वो और सयाह भी जो है वो यहाँ आते हैं. दे कम नॉट ओनली फ्रॉम पाकिस्तान, मतलब विजिटर्स कुछ लोग तो सैर करने आते हैं और कुछ लोग जो है वो कुछ रिसर्चेस करने के लिए भी आते हैं. ठीक है, तो कह रहे हैं दे कम नॉट ओनली फ्रॉम पाकिस्तान, वो ना सिर्फ पाकिस्तान से आते हैं बट ऑल्सो फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, बल्कि पूरी दुनिया से. लेट अस होप दैट देयर एफर्ट्स सक्सीड इन डेसिफरिंग दीज वर्ड्स. कह रहे हैं हम उम्मीद करते हैं कि उन्हें, या हमें उम्मीद करनी चाहिए कि इनकी इन अल्फाज को समझने की कोशिश जो है वो कामयाब होंगी, या वो उनको समझने में कामयाब होंगे. वी विल देन नो अ ग्रेट डील मोर देन वी डू नाउ. वो कह रहे हैं तब हम जो आज जानते हैं उसकी निस्बत बहुत सा जान जाएंगे अबाउट दिस डेड सिविलाइजेशन, इस मुर्दा तहजीब के बारे में. ओके, कुछ एक्सरसाइजेज यानी कि वर्ड मीनिंग, वर्ड सेंटेंसेस और कॉम्प्रिहेंशन हमने कल की थी. अब बाकी की जो है वो हम आज करेंगे. सप्लाई द मिसिंग वर्ड्स और फ्रेजेस. नंबर वन इज मोहनजोदड़ो इज डैश सिटीज इन द वर्ल्ड. यहाँ पे फ्रेज आएगा एक, मोहनजोदड़ो इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट, ठीक है, सिटीज इन द वर्ल्ड. नंबर टू इज वी नो फ्रॉम डैश, वी नो फ्रॉम द र्यून्स दैट मोहनजोदड़ो वॉज अ लार्ज रिच सिटी. डैश दीज ऑब्जेक्ट्स हैड पिक्चर्स ऑन देम, सम ऑफ दीज ऑब्जेक्ट्स हैड पिक्चर्स ऑन देम. नंबर फोर इज सर जॉन मार्शल डैश इन हिस्ट्री, सर जॉन मार्शल वॉज इंटरेस्टेड इन हिस्ट्री, इन वेरी ओल्ड बिल्डिंग्स एंड इन ओल्ड थिंग्स लाइक द पीसेस ऑफ ओल्ड एंड ब्रिक्स. ठीक है, ओके, ये कॉम्पोजिशन है. यू हैव टू राइट फाइव सेंटेंसेस अबाउट द रियल्स ऑफ मोहनजोदड़ो. आप मोहनजोदड़ो के बारे में आपको यहाँ यूनिट पढ़ने से जो भी पता चला है उसको आपने फाइव सेंटेंसेस में डिस्क्राइब करना है. यू कैन सी हियर पेज नंबर 22. ये एक्सरसाइज आपको पेज नंबर 22 और 23 पर मिलेगी. ओके, आगे देखिए पेज नंबर 27 पे आपको ये एक्सरसाइज मिलेगी. लिखा है सप्लाई फुल स्टॉप कॉमा क्वेश्चन मार्क एंड साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन वेयर एवर नेसेसरी. ठीक है, जहाँ जहाँ जरूरी है वहाँ आपको फुल स्टॉप लगाना है, कॉमा लगाना है, क्वेश्चन मार्क लगाना है और साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगाना है. ओके, आपको पता है फुल स्टॉप हम कहाँ लगाते हैं? जब हमारा जुमला कोई स्टेटमेंट फॉर्म में हो, ठीक है, तो हम उस जुमले के एंड पर जब वो ख़त्म हो जाता है तो फुल स्टॉप लगाते हैं. कॉमा हम एक शॉर्ट पॉज देने के लिए जो है वो इस्तेमाल करते हैं, या बाज़ अवकात ग्रुप ऑफ थिंग्स जब शो की हुई होती है उसमें एक एक करके चीज़ बताई गई होती है तो उसको एक दूसरे से सेपरेट करने के लिए भी हम कॉमा लगाते हैं. क्वेश्चन मार्क, जब आपसे कोई चीज़ इंटरोगेट की जा रही होती है, कोई चीज़ पूछी जा रही होती है, यानी कि जुमले की वो किस्म जिसमें पूछा जा रहा हो कुछ, तो उसके एंड में हम क्वेश्चन मार्क लगाते हैं. और साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, जहाँ पे कोई सडन फीलिंग आपकी शो हो रही होगी या इमोशन शो हो रहा होगा, वहाँ पे हम साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगाते हैं. नंबर वन इज आई बॉट सम मीट शुगर मिल्क. मैंने कहा ना, ग्रुप ऑफ थिंग्स जब आ रहा होगा, यहाँ पे देखें तीन चार चीज़ें, तो मीट के बाद काम आएगा, शुगर के बाद काम आएगा, मिल्क के बाद आएगा क्या? नहीं, क्योंकि यहाँ पे एंड लगा हुआ है. ठीक है, एंड अ पेयर ऑफ सॉक्स फ्रॉम द स्टोर. और देखिए ये एक सिंपल स्टेटमेंट है, इसमें कुछ पूछा नहीं जा रहा है, इसमें सिंपल आपको बताया जा रहा है, तो यहाँ पे आएगा फुल स्टॉप. नंबर टू इज वेयर डू यू प्रपोज टू गो गो फ्रॉम हेयर. अच्छा, देखिए वेयर क्वेश्चन वर्ड आ रहा है, इट मीन्स पूछा जा रहा है कि आप यहाँ कहाँ जो है वो जाना चाह रहे हो, तो फिर ये इसके लास्ट में हमारे पास फुल स्टॉप नहीं आएगा बल्कि हम क्वेश्चन मार्क लगाएंगे.
नंबर थ्री इज आई गेट अप इन द मॉर्निंग, टेक अ बाथ, हैव ब्रेकफास्ट एंड गो टू स्कूल. ये यहाँ पे हमारे अलग अलग सेंटेंसेस हैं. आई गेट अप इन द मॉर्निंग कॉमा टेक अ बाथ कॉमा हैव ब्रेकफास्ट. अब यहाँ पे आगे एंड है इसलिए हम यहाँ नहीं लगाएंगे गो टू स्कूल, और यहाँ पे हमारा फुल स्टॉप लग जाएगा. नंबर फोर इज वुड यू बी काइंड इनाफ टू टेल मी वेयर द रोड लीड्स टू. अच्छा, अब यहाँ देखिए बात पूछी जा रही है, इट मीन्स कि यहाँ पे लास्ट में क्वेश्चन मार्क आएगा. मे गॉड, माई गॉड, वॉट हैव आई डन. ठीक है, माई गॉड के बाद में हम जैसे कहते हैं ओह मेरे खुदा, यहाँ पे आपका मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन आएगा. आई होप कि आपको पता हो कि मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन क्या होता है, एक स्ट्रेट लाइन और उसके नीचे डॉट. ठीक है, अच्छा यहाँ पे अब जब यह बल्कि मेरा ख्याल है आई थिंक इसको एंड पे लगेगा, माई गॉड व्हाट आई हैव आई डन, लास्ट में यहाँ पे मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन लगेगा. ठीक है, और ये बात याद रखनी है कि जब हम मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन लगाते हैं तो नेक्स्ट वर्ड जो है या नेक्स्ट लेटर जो है हम उसे कैपिटल लिखते हैं, जैसे हम फुल स्टॉप के बाद लिखते हैं. ठीक है, यहाँ पे लास्ट में मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन आएगा. ओके, लुक एट दिस, ये एक्सरसाइज भी आपको पेज नंबर 27 पे मिलेगी. टिक मार्क द वर्ड यू थिंक इज करेक्ट इन द फॉलोइंग. ठीक है, ऑपोजिट, जिद को जो हम कहते हैं उलट. ठीक है, द ऑपोजिट ऑफ फ्यू इज मोर, लेस, लिटिल, मैनी. फ्यू का मतलब होता है चंद. ठीक है, फ्यू का ऑपोजिट होगा क्या, ऑपोजिट होगा फ्यू का ऑपोजिट होगा मैनी. ठीक है, मोर का मतलब होता है ज्यादा, लेस का मतलब होता है कम, लिटिल का मतलब होता है थोड़ा, मैनी का मतलब होता है कई, फ्यू का मतलब होता चंद और कई. या अच्छा, नंबर टू इज द ऑपोजिट ऑफ एंशियंट. एंशियंट हम कदीम को कहते हैं. ठीक है, मॉडर्न, न्यू, ओल्ड, एजेड. द ऑपोजिट ऑफ एंशियंट इज मॉडर्न. ठीक है, द ऑपोजिट ऑफ अलॉट इज, अलॉट का मतलब होता है बहुत ज्यादा. ठीक है, ऑपोजिट पूछ रहे हैं, लिटिल, मच, मोर, नन. द ऑपोजिट ऑफ अलॉट इज लिटिल. ठीक है, देखो मच मोर दोनों सेम मीनिंग के सेंस में आते हैं, लिटिल इसका ऑपोजिट होगा. द ऑपोजिट ऑफ सिटी इज, सिटी की जो है वो ऑपोजिट क्या होगा, टाउन होगा, विलेज होगा, कंट्री होगा या कैपिटल. विलेज विल बी द ऑपोजिट ऑफ सिटी. द ऑपोजिट ऑफ वाइड, वाइड हम चौड़े को कहते हैं. ठीक है, ब्रॉड को कहते हैं. तो अब इसका देखिए आप पूछा हुआ स्मॉल छोटा, टाइनी भी छोटे को कहते हैं, ब्रॉड, ब्रॉड तो ऑलरेडी चौड़े को ही कहते हैं, नैरो तंग. तो ऑपोजिट ऑफ वाइड इज नैरो. नाउ द असाइनमेंट, ओके यू हैव टू मेक द टाइटल पेज. अच्छा, हमने तो टाइटल पेज ऑलरेडी बना लिया, इसकी दोबारा बनाने की जरूरत नहीं है. बल्कि आपने जो बुक एक्सरसाइजेस मैंने आपको आज कराई हैं ये आपने अपनी नोटबुक्स पे करनी है. प्लस इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँ कि आपके साथ शायद डे थ्री में या हो सकता है डे टू में मैं आपके साथ डॉक्यूमेंट शेयर करूँ. आपने अपना काम जो है वो रिटन वर्क जो है वो कंप्लीट करना है. बेटा दिस इज योर यूनिट नंबर फोर. यूनिट नंबर फाइव इज द लास्ट यूनिट ऑफ योर सिलेबस ऑफ मिड टर्म एग्जाम्स. ठीक है, मिड टर्म के लिए हम मिड टर्म में हम सिर्फ 5 यूनिट्स पढ़ेंगे. और आपने देखा होगा कि आपके जो टाइटल है वो कुछ चेंज हो चुका है. पहले मैं सिर्फ इंग्लिश लिटरेचर पढ़ाती थी, लेकिन इंशाल्लाह अब ग्रामर को भी मैं ही आपको देखूंगी. तो ये होगा कि हमारा पहले लिटरेचर कंप्लीट हो जाए, इंशाल्लाह ग्रामर हम फिर फॉलो करेंगे. ओके स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे. आई होप आपको अपना लेसन समझ आया होगा. इंशाल्लाह दोबारा नेक्स्ट लेसन में मुलाकात होगी. अल्लाह हाफिज़.